कार्य करेंगे, हर 3 या 5 वर्ष में उनका रिन्यूअल होता रहेगा और जिला सहकारी फेडरेशन को उसकी इनकम से पैसा मिलता रहेगा। इस पैसे का उपयोग यहाँ पर इससे जुड़े हुए जो डेलीगेट्स होंगे और आम जनता की सुविधा के लिए या फेडरेशन इसका बेहतर उपयोग कर पाएगा। भाई बहनों, आप सब जानते हैं सहकारिता आंदोलन वास्तव में भारत की मूल विकास की आत्मा रही है। जिन राज्यों ने सहकारिता की वास्तविक महत्व को समझा वे राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे निकल गए, लेकिन जिन राज्यों ने इसकी उपेक्षा की या गलत लोग इसमें हावी हो गए वे राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गए। राज्य के पिछड़ने का मतलब हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में कमियां, लोगों के चेहरे की खुशहाली को दूर करने की एक सवालपूर्ण चेष्टा और यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुआ एक सवालत के तहत हुआ। जिन राज्यों ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया वे राज्य विकास में काफी आगे बढ़ गए, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने सहकारिता के इस महत्व को ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया और आज भारत सरकार ने सहकारिता को भी एक मंत्रालय के रूप में गठन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ही इस मंत्रालय का दायित्व दिया है। सहकारिता आंदोलन आज देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सहकारिता सबकी सहभागिता से विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की नौकरशाही से मुक्त आम जन की सहभागिता से उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा चुने गए सभापति होंगे, उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, उनके बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी और वह हर एक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा, उस प्रॉफिट में मिलने वाली जो उसका लाभांश में सहभागी बनाने की व्यवस्था, इन सभी के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन कार्य कर सकता है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए। वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी और स्वाभाविक रूप से कॉपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता, छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे, किसी को बेटे की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं मिलता और घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया, आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तत्व तो घुसपैठ करेंगे, माथा पर प्रतिक्रिय तत्व तो हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देंगे। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गायकवाड़ होता था तो गायकवाड़ दो माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुरवासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी जाता था बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था, कोई अच्छा व्यवसायी उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही
माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे, फिर बैंक वाला रहता था तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया, प्रदेश भर में आज परिणाम आपके सामने है। प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी भावना रखता है। आज प्रदेश के विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैंक कभी जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे वे फिर से खड़े होकर के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं और इसी अभियान को हर एक जगह अब तो राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हरे पैक्स को हम लोग 10 लाख रुपए तक की एक व्यवस्था देंगे जहां पर वह आसानी से अपने कार्य प्रगति को आगे बढ़ा सके। यानी ये चीजें दिखाती है कि किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय पे उसको शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो तो किसान क्यों बधाल होगा। बीज बोने का समय नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में है और बीज अगर उसको 15 दिसंबर के बाद मिलता है और उसके बाद अगर वो बो भी देगा तो फसल पर इसका 25 से 30 फीसदी पैदावार के इसका प्रभाव पड़ेगा। किसान जिसकी आमदनी हम दुगना करना चाहते हैं तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी, किसान खुशहाल नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव प्रदेश और देश की समृद्धि पर पड़ेगा। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में जरूरतमंद को समय पे कुछ नहीं मिला वो बदहाल हो गए। लेकिन यहाँ पे श्री महंत सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिला सहकारी फेडरेशन के पूरे क्षेत्र का एक कायाकल्प करने का प्रयास किया। इसी यहाँ पर जहाँ हम लोग जिस सभागार में बैठे हैं 2017 के पहले आए ये तृतीय गोदाम था, उपयोग नहीं हो पाता लेकिन आज एक बेहतरीन केंद्र बन गया है, साफ सुथरा है, लोग यहाँ मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे बहुत आसानी से संपन्न हो सकते हैं। जो भूमि थी जिसपे अवैध अतिक्रमण था 20 दुकानें बंद नहीं है, यानी 20 दुकानों का मतलब 20 परिवार डायरेक्ट इससे लाभान्वित हो गए हैं, 20 परिवार सीधे से लाभान्वित होंगे और 20 परिवार इससे लाभान्वित होने के बाद यहाँ से अपनी आजीविका भी कमाएंगे और साथ साथ इसका लाभ इस फेडरेशन को भी उपलब्ध करवाएंगे। आज आवश्यकता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसान छोटी जोत के किसान है, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं छोटी जोत के किसान, किसी का एक बीघा है, किसी का दो बीघा है, किसी का तीन बीघा है, किसी के बाद चार बीघा है, बहुत छोटी छोटी जोत के किसान है। और छोटी जोत का किसान होने के नाते और उस पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाता है, न उसमें कोई टेक्नोलॉजी अपना पाता है, न वहां पे कोई विशेष रुचि लेने के कारण वह उस खेती को लाभांश में बदलने का प्रयास भी नहीं करता है। इसके लिए कॉपरेटिव के मॉडल अगर हम एफपीओस का गठन करके उस कार्यक्रम को वहां पे लागू करें, पैक्स और एफपीओ मिल जाएंगे तो अलग अलग जिसकी जितनी खेती होगी उससे आने वाला मुनाफा उसको मिले, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यों के साथ जुड़ सकता है। कुछ लोग खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग फूड प्रोसेसिंग के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग पैकेजिंग के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के साथ जुड़ रहे हैं, यानी अलग अलग टीमों और नए लोगों के रोजगार के सृजन भी होंगे। और दूसरा गांव में ही एफपीओस का गठन करके अगर हम गोदाम का निर्माण करते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वे वेयर हाउस एक नई आय के स्रोत बनेंगे। कहीं खाद का है, कहीं बीज का है, कहीं पर खाद्यान्न को रखने के लिए व्यवस्था देने का कार्य है, ये
आप जोड़ सकते हो, बेहतरीन लाभ इसके माध्यम से कमा सकते हैं। सरकार वेयर हाउसेज के लिए, वेयर हाउस स्थापित करने के लिए, गोदाम बनाने के लिए बहुत इसमें सब्सिडी दे रही है। हमें सरकार की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। कुछ जगह एक दो मॉडल कुछ खड़े हो जाए, अपने आप ही लोग उससे प्रभावित होंगे और उससे अनुप्रेरित होकर के बड़ी संख्या में सब चीजें खड़ी हो जाएंगी। मैं मोहन सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम के साथ यह एक नई प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि अक्सर होता है कि व्यक्ति जब किसी पद पर चुना जाता है तो उस पद पर चुने जाने के बाद वह टाइम पास ज्यादा करता है, अपनी सुविधा को ज्यादा देखता है, मुझे क्या मिलेगा। और जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसका कार्यकाल कभी यशस्वी नहीं हो सकता। जब वह उस संस्था के बारे में सोचता है, उस संस्था के हित के बारे में सोचता है, उसके अनुसार रणनीति तैयार करता है, कार्यक्रम बनाता है, तो कार्यकाल भी यशस्वी होता है। और यादगार कार्यकाल के कारण व्यक्ति एक लंबे समय तक स्मरणीय होता है, लोगों के लिए स्मरणीय होता है। जवाबदेही भी लेना, अगर हमें दायित्व तो मिला है तो इसकी पूरी जवाबदेही हमारी है, इसको बैठने नहीं देंगे। हमारा दायित्व तो होता सबसे पहला काम तो क्या, जिस स्थिति में मिला है पहले हमें उसको मेंटेन करके रखना और उससे और अच्छा करने का प्रयास, और अच्छा स्तर पर और अच्छा करने का प्रयास। जब व्यक्ति अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करता है उसके लिए बेहतरीन परिणाम आते हैं। और ये बेहतरीन परिणाम यहाँ पे जला फेडरेशन के रूप में यहाँ पर श्री मोहन सिंह जी ने जो कार्य किया, श्री सुमन सिंह जी आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और मुझे बड़ा विश्वास है कि ऐसे ही सभी ऑपरेटिव सोसाइटीज को इस दिशा में आगे बढ़ करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने अवैध अतिक्रमण से मुक्त करके लोगों को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण देकर के उन्हें अपनी संस्था की इनकम को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, जिससे उस सरकार पर निर्भरता कम हो सके। जहां पे अच्छे कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं वे उदाहरण बन गई, और कुछ कॉपरेटिव सोसाइटीज तो ऐसी हैं जिनकी इनकम बहुत सारे राज्य सरकारों की इनकम से ज्यादा है, आप अनुमान कर सकते हैं। आखिर उस सोसाइटीज को किसी व्यक्ति ने चलाया होगा, किसी महापुरुष ने प्रारंभ किया होगा, और आज वे बहुत अच्छा लाभांश प्राप्त कर रही है, तो अपने लाभांश का लाभ अपने डेलीगेट्स को भी देती है और अपने साथ जुड़े हुए किसानों को भी सीधे सीधे देती है। हमें भी इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जिला सहकारी फेडरेशन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं यह कार्य अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसका लाभ लेकर के अपने क्षेत्र में बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री जी की मंशा के रूप नए भारत के निर्माण में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक बड़ी भूमिका हो पाएगी। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।